खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी माध्यम से हस्तांतरण किया। इस दौरान सीएम ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए पेंशन भेजी। आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी, लेकिन अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी है। सभी को मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और अपने सभी बड़े बुजुर्गों को यहां से मैं आज प्रणाम भी करता हूं, सबको मेरा प्रणाम कि एक नई व्यवस्था ये प्रारंभ हुई है। और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। सर, आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर दो दंपत्ति होते थे तो दो बुजुर्ग दंपतियों में से एक को ही जो है इस पेंशन का लाभ मिल पाता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली, मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में, घर में अगर दो बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प लिया था कि दोनों बुजुर्ग दंपतियों को हम पेंशन देंगे।